हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कॉपर की बोतल या कॉपर के किसी भी बर्तन को क्लीन कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नमक की और यूज्ड नींबू की। नींबू के छिलके जो है वो इस तरीके से आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जैसे ही थोड़े से नींबू के छिलके इकट्ठा हो जाए तो आप इसे इसके उपयोग में ले सकते हैं। नमक के बोल में हम नींबू को डुबोकर इस तरीके से आप क्लीन करना शुरू कीजिए। नींबू को आप थोड़े थोड़े स्क्वीज करते रहें, जिससे उसके रस से ये कॉपर का कलर जो है वो निखरेगा। अगर आप कॉपर की बोतल ले रहे हैं तो उसकी रबर भी निकाल के इस तरीके से अच्छे से आप क्लीन कर लें, और उसके जो एंड्स हैं जहां पे बहुत सारी गंदगी जमा हो सकती है उसे आप इस तरीके से टूथब्रश से क्लीन कर लें। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम रब कर रहे हैं इसका कलर और निखरता जा रहा है। सभी जगहों से हमें अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये बॉटल का कलर बाहर से अच्छे से क्लीन हो गया है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये अंदर से उतना ही क्लीन और डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके लिए हम बॉटल के अंदर डालेंगे विनेगर। अगर आपको विनेगर नहीं यूज करना है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। विनेगर डालने के बाद हम उसमें डालेंगे गर्म पानी। उसके बाद हम डालेंगे जो नींबू के छिलके स्क्वीज्ड लेमन हमने यूज किए हैं वो, और हम उसमें डालेंगे नमक। अब इसे हम ढक कर अच्छे से शेक करके 10 से 15 मिनटों के लिए रख लेंगे। ऐसा करने से ये बॉटल बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगी। 15 मिनटों के बाद आप बॉटल को किसी भी रेगुलर डिश वॉशिंग पाउडर या लिक्विड से क्लीन कर लें। आप इस तरीके का ब्रश यूज करके अंदर से इसे अच्छी तरीके से स्क्रब करके क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बॉटल बहुत ही अच्छे से और इजी तरीके से क्लीन हो गई है।